हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निधि इंग्लिश एंड एक्टिविटी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं द बुक फर्स्ट फ्लाइट एंड द चैप्टर इज सर्मन्स एट बनारस। इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं गौतम बुद्धा के बारे में। तो इस चैप्टर में जो जिसका नाम है सर्मन्स एट बनारस, सर्मन का मतलब होता है उपदेश, एट बनारस का मतलब बनारस वाराणसी जो कि एक प्लेस है, ठीक है। तो सर्मन्स एट बनारस में गौतम बुद्धा को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और वो चीज़ हम इसमें पिक्चराइज करके आपको बताएंगे। सो लेट्स स्टडी द चैप्टर। सो गौतम बुद्धा, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, तो बचपन में ये पैदा हुए थे एज अ प्रिंस। इनका जन्म हुआ था एज अ प्रिंस। तो जब 12 साल की एज हुई, जन्म के बाद 12 साल की जब एज हुई, जब ये 12 साल के हो गए, जब इनके 12th ईयर कंप्लीट हो गए, उसके बाद इन्हें शिक्षा लेने के लिए भेजा गया। सो जहाँ इन्हें नॉलेज गेन करने के लिए भेजा गया, वहाँ पर इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद 4 साल बाद जब ये वापस आए, तो ही गॉट मैरिड विद अ प्रिंसेस जिसका नाम यशोधरा था। एंड आफ्टर दैट दे हैड अ सन, उनका एक बेटा हुआ। और इसी तरीके से 12 ईयर्स के बाद, जब वो 12 ईयर्स के थे, तब वो अपनी टीचिंग्स को गेन करने गए। उसके बाद 4 ईयर्स बाद वो आए, तो 25 की एज तक इन्होंने जो भी पैलेस की जो भी हैप्पीनेस होती है, जो भी रॉयल्टी होती है, मतलब एक महाराजा एक राजकुमार होने के जितने सुख होते हैं, वो सब इन्होंने गेन किए टिल द एज ऑफ 25। लेकिन सिद्धार्थ गौतम की जो लाइफ थी, उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में सफरिंग्स को देखा नहीं था, क्योंकि वो एक किंग के बेटे थे, यानी कि वो एक प्रिंस थे। तो उन्हें हमेशा किंग ने, यानी कि उनके फादर ने हमेशा लाइफ की सफरिंग से बहुत दूर रखा था। इन सब का कभी भी, इन सब की नॉलेज उन्हें होने नहीं दी थी, तो उन्हें कभी भी लाइफ की सफरिंग्स के बारे में पता नहीं था। तो इसीलिए उन्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि दुख, तकलीफ़ और मृत्यु क्या चीज़ होती है, डेथ क्या होती है, उन्हें ये बात नहीं पता थी। तो एक बार ये ऐसे ही वो जब भ्रमण के लिए निकले, टहलने के लिए निकले, तो सबसे पहले उन्हें एक ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा आदमी दिखा, फिर उसके बाद उन्हें एक सिक मैन यानी कि एक बीमार आदमी दिखा, और उसके बाद उन्हें एक डेड बॉडी दिखी। वो सब देखने के बाद जब उन्हें लाइफ की रियलिटी का पता चला, तो वो बहुत ही, उनका माइंड बहुत ही अलग तरीके से डाइवर्ट हो गया। उन्होंने ये सोचा कि लाइफ की रियलिटी क्या है, लाइफ में जो सच क्या है, यानी कि सत्य क्या है, तो सत्य की खोज करना चाहते थे। रियलिटी में जब गौतम बुद्ध को, यानी कि सिद्धार्थ गौतम को, जब इन सब लाइफ की सफरिंग्स के बारे में पता चला, जब उन्हें ये पता चला कि लोग बीमार भी होते हैं, लोग बूढ़े भी होते हैं, जो हमारा ये शरीर है, ये एक टाइम पे ऐसा होता है कि बिल्कुल से जो अभी हमारे पास इतनी सारी एनर्जी है, वो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। लोग बूढ़े भी होते हैं, बूढ़े होने के बाद कभी लोग बीमार भी होते हैं, और लोगों की अकाल मृत्यु भी होती है, और एक टाइम ऐसा होता है जब हर किसी को मरना होता है। तो वो ये सोचने लगे कि लोग अगर मरते हैं तो लाइफ में आते ही क्यों हैं। तो वो लाइफ के, यानी बॉर्न, यानी कि वो बर्थ और डेथ के जो ट्रूथ है उसको जानना चाहते थे, उस सच को, यानी उस सत्य को जानना चाहते थे। वो चाहते थे कि उन्हें सत्य का ज्ञान हो जाए, तो इसीलिए वो इन सब चीज़ों से काफ़ी मूव ऑन हो गए। तो इन सब से काफ़ी इंस्पायर्ड होकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो सच की खोज में बाहर जाएंगे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो तपस्या करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, और उससे सच जानने की कोशिश करेंगे। तभी उन्होंने अपने घर को त्याग दिया, गिव अप कर दिया। उसके बाद घर को और सब, अपने गृहस्थ जीवन को त्याग करके वो घर से निकल गया। और घर से निकलने के बाद लगभग 7 साल तक वो लगातार टहलते रहे, लेकिन उन्हें सच का पता, यानी सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने थक हार कर लास्ट में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो फिर से उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। और उसके बाद उस तपस्या को स्टार्ट करने के बाद उन्हें 7 दिनों के बाद एनलाइटमेंट, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब उस पेड़ के नीचे, यानी उस पीपल की ट्री के नीचे बैठकर जब उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, तो उस वृक्ष का, वहाँ पर उन्होंने अपने सबसे पहला फर्स्ट सेरमन दिया, यानी कि उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया।
और उस ट्री जिसके नीचे उन्होंने बैठकर अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, उस ट्री को, उस पीपल की ट्री को बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है आज। जो पीपल ट्री थी जिसका नाम बोधि ट्री के नाम से फेमस हुआ, अक्सर गौतम बुद्ध अक्सर उसके नीचे बैठकर अपनी टीचिंग्स दिया करते थे, लोगों को बताया करते थे, उन्हें सत्य का ज्ञान कराया करते थे, उन्हें लाइफ के यानी जीवन के सत्य के बारे में बताते थे और उसी के नीचे बैठकर उन्होंने अपना सबसे पहला फर्स्ट सेरमन दिया था और उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया। और जिस इंसान को उसने, जिस ह्यूमन को उन्होंने सबसे पहले सत्य का ज्ञान कराया, यानी सबसे पहले जिन्होंने उन्होंने जिसे सेरमन दिया, फर्स्ट सेरमन, उसका नाम था कीसा गौतमी। सो इनके बारे में हम जानते हैं कि जो कीसा गौतमी को उन्होंने किस तरीके से ज्ञान दिया या फिर क्या उन्हें बताया, क्या उपदेश दिया। कीसा गौतमी एक ऐसी लेडी थी जिसके सन की यानी उसके बेटे की डेथ हो गई थी और उसके बेटे की डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो हर किसी के पास अपने बेटे की डेड बॉडी को लेकर इधर उधर दौड़ रही थी, भाग रही थी, बहुत ही परेशान थी। वो ये चाहती थी कुछ भी करके, किसी भी तरीके से उसका बेटा दोबारा से ज़िंदा हो जाए, मतलब कोई भी उसे मेडिसिन दे दे। लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, अब ये दोबारा नहीं उठेगा, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मान रही थी। वो हर किसी को इग्नोर करके सिर्फ चारों तरफ ये सोचते हुए दौड़ रही थी कि शायद मेरा बेटा किसी भी तरीके से सही हो जाए, किसी भी तरीके से वो दोबारा से ज़िंदा हो जाए। तो किसी ने, हर कोई समझ गया कि वो ये मतलब मैड हो गई है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि एक माँ का अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो उसने एक आदमी ने उसे ये एडवाइस किया कि तुम एक पर्सन है जिन्हें मैं जानता हूँ जो तुम्हारे बेटे के लिए दवा दे सकते हैं। तो उसने कहा मुझे बताओ, मैं उसके पास जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि गौतम बुद्धा के पास तुम जाओ, वो तुम्हारे बेटे का पूरी तरीके से इलाज कर देंगे और उन्हें किसी भी तरीके से कुछ न कुछ वो तुम्हें उपाय ज़रूर बताएंगे। उसके बाद वो तुरंत ही अपने बेटे को लेकर गौतम बुद्धा के पास चली जाती है। जब वो गौतम बुद्धा के पास पहुंचती है तो गौतम बुद्धा को ये सब पहले से पता होता है और वो बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे को मैं बिल्कुल से दोबारा से ज़िंदा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो वो बोलती है कि ठीक है, जो भी आप बोलेंगे मुझे वो सब कुछ मंजूर है, बस आप मेरे बेटे को ठीक कर दो। वो बोलते हैं कि एक काम करो, तुम्हें पूरे हाथ भर कर मुट्ठियाँ, दोनों मुट्ठियाँ भर के तुम्हें मस्टर्ड सीड लेकर आनी है, यानी कि सरसों के बीज लेकर आने हैं। तुम किसी भी घर से जाकर ले सकती हो, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि तुम्हें उसी घर से मस्टर्ड सीड लेकर आनी होगी जिस घर में ना तो कभी किसी की डेथ हुई हो, ना कोई सफ़र कर रहा हो और ना ही कभी किसी को पेन हुआ हो या दर्द हुआ हो। उसके बाद कीसा गौतमी बड़ी आसानी से, बड़ी खुश होकर जाकर हर घर में पूछती है। उसे मस्टर्ड सीड्स तो हर घर में मिल जाती हैं, उसे यानी कि उसे सरसों के जो बीज हैं वो तो हर घर में मिल जाते हैं, लेकिन जब भी वो किसी से भी ये बताती है कि क्या तुम्हारे घर में कभी किसी की डेथ नहीं हुई या फिर कभी कोई सफ़र नहीं कर रहा है या कुछ भी, तो अक्सर लोग बोलते थे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे घरों में घूम चुकी, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर कोई तकलीफ़ में ना हो या फिर किसी को दर्द ना हो या फिर किसी के घर में कोई मरा ना हो। तो इतना सब हर जगह घूमने के बाद एट लास्ट वो थक हार कर दोबारा से गौतम बुद्धा के पास वापस चली आई। जब वो लेडी गौतम बुद्धा के पास वापस चली आती है तब वो उसे बताते हैं, तब वो बोलती है उनसे कि मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर कोई दुखी ना हो, परेशान ना हो या फिर किसी की डेथ ना हुई हो। तब गौतम बुद्धा ने उन्हें बैठा कर ये बात समझाई कि अगर कोई भी ऐसा घर नहीं तुम्हें मिला जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो या फिर कोई तकलीफ़ में ना हो या फिर कोई सफ़र ना कर रहा हो, तो तुम्हें ही अपना ये दुख क्यों बड़ा लगता है। तुम अपने दुख में इतनी स्वार्थी हो गई थी कि तुम चाहती थी कि तुम्हारे बच्चे को ऊपर वाला यानी ईश्वर वापस कर दे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। संसार का यह नियम है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से एक दिन जाना होता है। जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान जितने दिनों के लिए आता है उतने दिन पूरे करने के बाद उसे उस दुनिया से बाहर वापस जाना होता है। गौतम बुद्धा ने कीसा गौतमी को ये बात बताई कि मैं तुम्हें पहले भी ये बात बता सकता था, मैं तुम्हें ये बात पहले भी बता सकता था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार तुम्हें हर घर में इसलिए भेजा, मैंने तुम्हें मस्टर्ड शीट्स मेरे किसी काम नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें इसलिए भेजा क्योंकि मैं
उसके थ्रू तुम्हें एक संदेश देना चाहता था। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम जाकर हर घर में ये देखो कि सिर्फ तुम्हारा ही दुख बड़ा नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने अपनी बहनों को खोया है, बहुत सारे ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपने पतियों को खोया है और फिर भी वो इस दुनिया में जी रहे हैं। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है तो तुम गलत हो। और इस दुनिया का, इस संसार का यही नियम है कि जो लोग भी इस दुनिया में आए हैं एक ना एक दिन उन्हें इस दुनिया से जाना होता है। हर एक इंसान अपने दिन उंगलियों पर गिनकर आता है और उस दिन को पूरा होने के बाद कोई भी उसे इस दुनिया में रोक नहीं सकता। जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान जितने दिन के लिए इस दुनिया में आया है उसे उतने ही दिन इस दुनिया में रहना है, उससे एक भी दिन ज़्यादा या कम नहीं हो सकता है। या फिर जो लोग भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, जो इस संसार को छोड़ के चले गए, उन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो इस बात को कीसा गौतमी बहुत अच्छे से समझ जाती है। सो इट वॉज द फर्स्ट सेरमन ऑफ द गौतम बुद्धा। इस सेरमन के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू गौतम बुद्धा कीसा गौतमी को ये बताना चाहते थे कि द पर्सन हु हैज़ कम इन दिस वर्ल्ड हैज़ टू डाई। जो जिस किसी ने भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया से वापस जाना है। वैन somebody dies, then somebody get birth। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जन्म होता है। सो इट वॉज द चैप्टर द सेरमन एट बनारस। And finally, it was the chapter and the sermon of the Gautam Buddha. It was the first sermon of the Gautam Buddha. ये गौतम बुद्धा का पहला उपदेश था, जो कि ये था कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना होता है, इस संसार को छोड़ना होता है। जो हर एक इंसान अपने दिन, अपने गिने हुए हर किसी को इंसान यानी भगवान गिने हुए दिनों के साथ इस दुनिया में भेजता है और उन्हीं दिनों के साथ उन्हें वापस बुला लेता है। सो इन दिस इट वॉज द चैप्टर, इट वॉज द होल समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो आफ्टर बींग द स्टडी ऑफ दिस समरी यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर दैट ऑलवेज ऑफन अकर्ड, दैट इज हु वॉज कीसा गौतमी, वॉट वॉज हर ग्रीफ एंड हाउ डिड हिज क्वेश्चन सॉल्व बाई द गौतम बुद्धा। जो इस चैप्टर का मोस्ट इनविटेबल क्वेश्चन है, जो अक्सर इस चैप्टर से आता है, वो ये है कि कीसा गौतमी कौन थी, उसे किस बात का दुख था और किस तरीके से गौतम बुद्धा ने उसे उपदेश दिया। एंड ये क्वेश्चन आता है, या फिर सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि वॉट वॉज द फर्स्ट सेरमन ऑफ द गौतम बुद्धा एंड वेयर डिड ही गेव हिज फर्स्ट सेरमन। गौतम बुद्धा का पहला उपदेश क्या था और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, और विच ट्री वॉज दैट अंडर विच ही हैड गिवन हिज फर्स्ट सेरमन, और वो कौन सी ट्री थी जिसके नीचे उन्होंने अपना फर्स्ट सेरमन यानी पहला उपदेश दिया था। सो गाइस, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।